तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं आ गया हूँ फिर से जो नए नए ट्रेंडिंग नवरात्रि डीजे स्टेटस एडिटिंग के साथ, क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में जो है दुर्गा पूजा आने वाला और साथ ही दोस्तों आप सभी को भर भर के हमारे ऊपर कमेंट भी आ रहा था कि भैया आप नवरात्रि सॉन्ग के ऊपर जो है डीजे स्टेटस का बना करके हम लोगों का ट्यूटोरियल दीजिए। ओके, तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सभी के लिए नवरात्रि सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूं। जो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाले है। तो चलो दोस्तों बिना देर लगाए पहले आप लोग उस वीडियो का एक नज़र आप सभी पूरी देख करके आ जाए। अगर दोस्तों आप सभी को आज का ट्यूटोरियल वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आप सभी बिना देर लगाए पहले आप लोग उस वीडियो का एक नजर सभी पूरी देख करके आ जाइए। आप सभी ने अभी जो जिस वीडियो को नवरात्रि स्पेशल वीडियो आप सभी ने फिर भी जो स्टार्टिंग में देख ले दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा आप सभी एक बार कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों आज हम सभी को कुछ इसी वीडियो को ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप देकर के सिखाने वाला। अगर दोस्तों आप लोग कुछ इसी तरह का नवरात्रि स्पेशल वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, आप सभी को पूरी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब बिना देर लगे हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जिस बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे आप सभी को रेड करके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ऑन करके आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो जब भी कोई अपलोड या डालूंगा तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुंचेगा। दोस्तों आप सभी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों तो इस वीडियो में जितना भी मटेरियल्स को यूज किया सभी को लिंक आप सभी को हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर आप सभी आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप सभी को कोई भी मटेरियल डाउनलोड करने में अगर परेशानी अगर दिखते आ रहा है तो दोस्तों आप सभी को वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देखकर बहुत ईजी से मेरा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। क्या चले फ्रेंड्स अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते और चल रहे सीधे डायरेक्ट अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। सो है गाइस आप सब देख सकते हैं कि आ चुके हैं अपने मोबाइल के काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आप लोग को यहां से करना क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देके देख लेना होगा। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन हो, कहता आप लोगों को सिंपली से ऐसे न्यू प्रोजेक्ट वाले पर क्लिक कर देना। न्यू प्रोजेक्ट वाले पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट हो, कहता आप लोगों को सिंपली से इस इम्पोर्ट वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाए और वहाँ पर आप सभी को एक लिंक मिलेगा सॉन्ग बीट मार्क को, कहता आप लोगों को सिंपली से उसको डाउनलोड कर लेना। अगर दोस्तों आप सबको डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी अगर दिखते हो रहा है तो आप सभी को वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा मटेरियल डाउनलोड कैसे करें। ओके, आप लोग उस वीडियो को देख कर बहुत ही आसानी से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप सभी को यहाँ से आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, अगर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लिए हैं तो आप लोगों को डाउनलोड फाइल में इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग बीट मार्क बाय जिक्सटेक। ओके, तो आप लोगों को सिंपली से उस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर देते ही आप सभी के काइन मास्टर में ये प्रोजेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगा। हो जाने के बाद आप सभी के काइन मास्टर में देख सकते ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे जो ये प्रोजेक्ट बनाने में जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा और टाइम भी लगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर वीडियो को ध्यान देकर देखिए। ओके, तो आप लोगों को यहाँ से करना क्या होगा, सिंपली से दोनों को पकड़ के थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ब्लू कलर में जो लिखा है सॉलिड, तो आप लोग को सिंपली से उस पर टच करना है, उसके बाद इसे रिप्लेस पर देना है और यहाँ से दोस्तों आप सभी को फोटो को ऐड करना होगा। तो चलो दोस्तों यहाँ से मैंने फोटो को ऐड कर दिया, उसके बाद फिर से आप सभी को अगला ब्लू स्क्रीन पर टच करना है, फिर से इसे रिप्लेस पर जाना है, फिर से रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ से आप सभी को फिर से इमेज को रिप्लेस कर देना है, फिर से आप सभी को अगला ब्लू स्क्रीन पर टच करना है, फिर से रिप्लेस पर जाना है, फिर से रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ से फिर से आप सभी को इमेज को रिप्लेस करते रहना है। तो दोस्तों आप सभी को करना क्या, सिंपल से यहाँ पर जितना भी जो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लू स्क्रीन जो देख रहा है सही पे आप सभी को यहाँ पर फोटो को रिप्लेस कर देना। ओके, उसके बाद आप सभी दोनों उंगलियों को पकड़ के जूम करना है, जूम करने के बाद आप सभी 10.399 सेकंड पर आ जाने के बाद आप लोगों को सिंपली सा ब्लैक स्क्रीन जो देख रहे हैं आप लोगों को सिंपली सा ब्लैक स्क्रीन पर टच करना है, रिप्लेस पर चले जाना है, रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ सबसे फिर से इमेज को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। फिर से आप सभी को अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, फिर से रिप्लेस पर जाना है, फिर से रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ सब सभी को इमेज को रिप्लेस कर देना है, फिर से आप सभी को अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, फिर से रिप्लेस पर जाना है, रिप्लेस पर जाने के बाद फिर से आप सभी को यहाँ पर इमेज को रिप्लेस कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी जो ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर जो देख रहा है सही पर आप सभी को इमेज को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते रेड स्क्रीन में जो लिखा है सॉलिड कलर, तो आप लोगों को सिंपली से उस पर टच करना है, उसके बाद रिप्लेस पर देना है,
और रिप्लेस बजाने के बाद दोस्तों यहाँ से करना क्या होगा, न्यू स्टाइल राउंड वाले वीडियो को यहाँ पर एयर करना होगा। देख सकते फ्रेंड्स मैं यहाँ पर न्यू स्टाइल में राउंड वाले वीडियो यहाँ पर बनाया होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं दोस्तों इस पर भी वीडियो आप सभी के लिए ट्यूटोरियल ला दूंगा। ओके तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं न्यू स्टाइल वाले राउंड वीडियो को यहाँ पर मैंने एड कर दिया। एड कर देने के बाद अब आप लोगों को कुछ इस तरीके से आगे आ जाना। आगे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर से रेड स्क्रीन आ रहा है। ओके तो आप लोगों को सिंपली सा फिर से रेड स्क्रीन पर टच करना है, फिर से रिप्लेस पर जाना है और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को फिर से जो है ना न्यू स्टाइल राउंड वाले वीडियो को यहाँ पर एड करना। देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बनाया था। दोस्तों चले यहाँ से मैंने इसको एड कर दिया। एड कर देने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते फिर से जो है ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, तो आप लोगों को सिंपली सा ब्लैक स्क्रीन पर टच करना है। उसके बाद इसे रिप्लेस पर देना और यहाँ से दोस्तों आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा फिर से इमेज को यहाँ पर रिप्लेस कर देना। ठीक है देख सकते फ्रेंड्स मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। फिर से आप सभी को अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, फिर से रिप्लेस पर जाना है और रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ से आप सभी फिर से इमेज को रिप्लेस कर देना है। फिर से आप सभी को अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, फिर से रिप्लेस कर देना है, फिर से आप सभी को यहां से इमेज को रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों यहां पर जितना भी जो फ्रेंड्स ब्लैक बैकग्राउंड यहां पर जो देख रहे हैं सही पे आप सभी को यहां पर इमेज को रिप्लेस कर देना है। ठीक है तो चलो दोस्तों यहां से मैं जो है इमेज को रिप्लेस कर देता हूं और इस काम को थोड़ा सा जो है स्किप कर देता हूं। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आप सभी के लिए फोटो का भी आप सभी को दे दूंगा। ठीक है तो दोस्तों आप सभी को फोटो को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। ठीक है तो चलो दोस्तों यहां से मैं फोटो को ऐड कर लेता हूं और इस काम को थोड़ा सा स्किप कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते जितना भी ब्रेक बैकग्राउंड था सभी पे मैंने फोटो को रिप्लेस कर दिया। ओके उसके बाद आप सभी को करना क्या होगा, वीडियो के स्टार्टिंग तरफ आने के शुरू तरफ आ जाना है। आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर देखना। ठीक है तो आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोगों को आगे आ जाना। ठीक है आगे आने के बाद जहाँ पर दोस्तों हमारा 10 सेकंड से जो इमेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आ जाना। ठीक है देख सकते हैं फ्रेंड्स 10.3 सेकंड पर जो इमेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आप लोग को आ जाना है। आने के बाद इमेज पर टच करना है, उसके बाद स्क्रीन ग्राफिक्स में जाना है। क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लिप ग्राफिक्स स्वीट लाइन, ओके इस स्वीट लाइन क्लिप ग्राफिक्स में जाकर दोस्तों यहाँ से 9 नंबर को लगाना है। फिर से आप सबको अगला इमेज पर टच कर देना है, फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद आप सबको करना क्या होगा, फिर से स्वीट लाइन क्लिप ग्राफिक्स में जाकर दोस्तों 9 नंबर को लगाना है। फिर से आप सबको अगला इमेज पर टच करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद दोस्तों आप सबको स्वीट लाइन में जाकर यहाँ से 9 नंबर को लगाना। तो दोस्तों आप सभी के स्वीट लाइन में जाकर 9 नंबर का क्लिप ग्राफिक यहाँ पर जो फ्रेंड्स जैसे 7-8 इमेज जो छोटा छोटा रोशन जो देख रहे हैं सभी इमेजों पर आप लाइक कर देना। ठीक है उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं न्यू स्टाइल वाले राउंड वाले वीडियो क्या था यहाँ पर आप सभी को कोई भी इफेक्ट को नहीं एड करना है। ठीक है उसको साइड छोड़ देना। उसके बाद आप लोग कुछ इस तरीके से आगे आ जाना। ठीक है आगे आने के बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते 15.103 सेकंड में जो इमेज स्टार्ट हो रहा है उस इमेज पर टच करना है। उसके बाद क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते एक क्लिप ग्राफिक टेंशन बीट साइन, ओके तो आप लोग सिंपल से टेंशन बीट साइन क्लिप ग्राफिक्स में जाकर यहाँ से आप सबको 3 नंबर को लगाना। ठीक है उसके बाद फिर से आप सबको अगला इमेज पर टच करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद टेंशन बीट साइन में जाकर 3 नंबर को लगाना है। फिर से आप सबको अगला इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद फिर से आप सबको उसी जो है टेंशन बीट साइन में जाकर 3 नंबर को लगाना। तो दोस्तों आप सभी को टेंशन बीट साइन का क्लिप ग्राफिक जो है ना यहाँ पर कितने इमेजों में लगाना, तो दोस्तों आप सभी वीडियो को ध्यान देकर देखते रहे। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जितना भी जो फ्रेंड्स यहाँ पर 12 वाला डोसन जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पर सभी इमेजों को 12 वाला आप सभी को टेंशन बीट साइन में जाकर 3 नंबर को लगाना। उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते छोटा छोटा डॉक्शन का जो इमेज आ रहा है आप लोगों को सिंपली सा उस इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी को करना क्या होगा, फिर से स्वीट लाइन में जाकर दोस्तों 9 नंबर को लगाना है। फिर से आप सभी को अगला इमेज पर टच करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद दोस्तों आप सभी को फिर से स्वीट लाइन में जाकर 9 नंबर को लगाना। ओके तो दोस्तों आप सभी को स्वीट लाइन के 9 नंबर का क्लिप ग्राफिक आप लोगों को कहाँ तक दोस्तों एड करना है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर देखते रहे आप सबको वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर वीडियो का एक भी पार्ट जो है स्किप कीजिएगा तो आप सबको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता होगा, तो इसीलिए दोस्तों आप सभी वीडियो को यहाँ पर ध्यान देकर देखते हैं। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते 5 इमेज जो ठीक है यहाँ पर जो छोटा छोटा डोसन जो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 इमेज में आप सभी को क्लिप ग्राफिक्स में जाकर के स्वीट लाइन में जाकर दोस्तों आप सभी को 9 नंबर को लगाना। ठीक है आने के जो दोस्तों 21.082 सेकंड तक जो इमेज आ रहा है वहाँ तक आप सबको स्वीट लाइन में जाकर 9 नंबर को लगाना है। उसके बाद जो इमेज यहाँ पर आ रहा है 21.083 सेकंड उस इमेज पर टच करना है। उसके बाद क्लिप ग्राफिक्स में और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते एक क्लिप ग्राफिक जो है हालोवीन पार्टी, ओके इस हालोवीन पार्टी में जाकर 10 नंबर को लगाना है। फिर से आप सबको अगला इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते ओल्ड फंक, ओके इस वर्ल्ड फंक में जाकर 1 नंबर को लगाना है। फिर से आप सबको अगला इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद आप सबको फिर से हालोवीन पार्टी साइन में जाकर 10 नंबर को लगाना है। फिर से आप सबको अगला इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना और क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद दोस्तों आप सबको वर्ल्ड फंक में जाकर 1 नंबर को लगाना है। ठीक है तो दोस्तों अब आप सबको कुछ इसी तरीके से जो लास्ट में जितना भी जो इमेज बचा है सही पे आप सभी को पहले हालोवीन पार्टी साइन में जाकर 10 नंबर, उसके बाद आप सबको वर्ल्ड फंक में जाकर 1 नंबर को क्लिप ग्राफिक यहाँ पर लास्ट में जितना भी जो इमेज बचा है सभी भी इमेजों पर आप सबको अप्लाई कर देना। ठीक है उसके बाद आप सभी को करना क्या हो सकता है कुछ इस तरीके से आप लोगों को आगे आ जाना। ठीक है
आगे आने के बाद यहाँ पर वीडियो को ध्यान देके देखें, ठीक है। जो फ्रेंड्स हमारा 15.103 सेकंड में जो इमेज आ रहा है उस इमेज पर आ जाना है, लेयर पर जाना है, उसके बाद इस मीडिया पर जाना है और यहाँ से दोस्तों आप सभी को करना क्या, उसमें सिंपली से एक लाइन इफेक्ट वाले वीडियो को यहाँ पर एड करना होगा। तो चलो दोस्तों यहाँ से हम लाइन इफेक्ट वाले वीडियो को यहाँ पर एड कर लेते। दोस्तों आप सभी लाइन इफेक्ट वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। चले फ्रेंड्स यहाँ से मैंने लाइन इफेक्ट वाले वीडियो को यहाँ पर एड कर दिया। एड कर देने के बाद आप सभी नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन होगा। तो आप लोगों को इसी स्प्लिट स्क्रीन में जाकर व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना, उसके बाद बैक आना है और नीचे जाना है यहाँ पर ब्लेंडिंग में। ओके, इस ब्लेंडिंग में जाकर इसको स्क्रीन कर देना है, उसके बाद आप सबको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आप सभी को करना क्या, उसमें फिर से इसी जो है लाइन इफेक्ट वाले वीडियो पर टच करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल देना, ठीक है। डुप्लीकेट निकाल देने के बाद आप सभी को इसको खींच के दोस्तों यहाँ तक इसको रखना, ठीक है। अब जब लोग यहाँ पर वीडियो को ध्यान देकर देखें, ठीक है, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको खींच के इसको यहाँ तक रख देना। देख सकते फ्रेंड्स मैंने यहाँ से रख दिया, रख देने के बाद अब आप लोगों को करना क्या, फिर से आप सब देखते हैं यहाँ पर कुछ कम हो चुका है, तो फिर से आप सबको इसी पर टच करना है लाइन इफेक्ट वाले वीडियो पर, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल के दोस्तों आप सबको करना क्या, फिर से आप सबको खींच के आप लोगों को यहाँ तक इसको लगाना, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो देख सकते इस इमेज का लास्ट में आ जाना है, 19.576 सेकंड का लास्ट में आ जाना है और इसी लाइन इफेक्ट वाले वीडियो पर टच करना है, कैंची पर टच करके ट्रम्प टू राइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप सबको फिर से आप थोड़ा सा आगे आ जाना, ठीक है। आगे आने के बाद आप सबको दोनों उंगली को पकड़ के जूम करना है और जूम कर देने के बाद आप सबको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाना, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर वीडियो को ध्यान देकर देखें, ठीक है। जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो इमेज स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जो 21.461 सेकंड में जो इमेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आ जाना, आने के बाद लेयर पर जाना है, उसके बाद इस मीडिया में जाना है और यहाँ से दोस्तों सबसे एक इफेक्ट वाले वीडियो को एड करना। चलो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से एड कर दिया, एड कर देने के बाद आप सबको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना, उसके बाद बैक आना है और नीचे जाना यहाँ पर ब्लेंडिंग में, ब्लेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों इसको स्क्रीन कर देना, उसके बाद बैक आना है, उसके बाद इस इमेज के एंड में आ देना, आने के बाद इस इफेक्ट वाले वीडियो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रम टू राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप सबको फिर से इसी इफेक्ट वाले वीडियो पर टच करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल देना है। डुप्लीकेट निकाल देने के बाद आप सबको एक इमेज को छोड़कर दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। फिर से आप सबको इसी इफेक्ट वाले वीडियो पर टच करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल देना है। फिर से आप सबको एक इमेज को छोड़कर दोस्तों आप सबको अगला इमेज पर इसको अप्लाई कर देना है। फिर से आप सबको इसी इफेक्ट वाले वीडियो पर टच करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल के फिर से आप सबको करना है, एक इमेज को छोड़कर दोस्तों आप सबको अप्लाई कर दो। दोस्तों अब आप सबको लास्ट तक जितना भी जो इमेज बता है सही पर आप सबको एक एक इमेज को छोड़कर इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद आप सबको फिर से वीडियो को स्टार्टिंग जाना है, आने के बाद लेयर पर जाना, उसके बाद इस मीडिया में जाना और यहां से दोस्तों आप सबको करना क्या होगा, एक टेम्पलेट वीडियो को यहां पर ऐड करना होगा। चलो दोस्तों हम यहां से टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर देते हैं। दोस्तों आप सभी को इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहां से टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर दे। ऐड कर देने के बाद आप सबको करना क्या, उसमें नीचे देना है स्प्लिट स्क्रीन में, उसके बाद व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना, उसके बाद बैक करना, नीचे देना, फिर से आप लोगों को ब्लेंडिंग में और ब्लेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी के लिए वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो होप करता हूं गाइस आप सभी को जो ना आज का टोटल वीडियो नवरात्रि स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगा होगा, तो यार वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर जो जो भाई हमारे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन करके अल्प भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों आप सभी को मैं इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग का लग रहा है, तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। होगा तो दोस्तों इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करने के लिए इस एरो पर टच करके आप सभी सेव वाले पे क्लिक करके आप सभी सेव कर लीजिएगा। चले फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कोशिश तरह के एक अगले ट्रेंडिंग डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग के साथ।